covered it fully. That's four. Another pretty drive. The ball, and at the same time, they seam off the wicket. Oh, got it good behind. The arm is raised by the umpire. तो रो नहीं नजर आ रहे टूर्नामेंट तो डबल अप स्पॉन्सर कर रही है डबल अप स्पॉन्सर है यार नाइस कोला यार भाई ये स्पॉन्सर थोड़ी होता है क्रिकेट मैच का मुझे क्या पता कौन स्पॉन्सर कर रहा है वाइड बॉल क्या होता है एक्स्ट्रा रन मिलता खिलाड़ी बैठे हैं ना हां देखो उल्टे हाथ के साइड में हूं कहीं पे नहीं वैसे कैमरा उन पे डालते हैं जो डांस वगैरह कर रहे हो उज़ैर नाचो जरा नाच के भी दिखाना पड़ेगा नाइस शॉट बाद बाद मेडिसिन दे दें पूरा नुस्खा चाहिए जी पूरा नुस्खा कितने दिनों के लिए 5 दिन के लिए बस इतनी सी बात पर बॉस को गुस्सा भी चढ़ गया बड़ा ही खुड़ूस आदमी है तो फिर अच्छा हाँ 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 बाजी मैंने वो चीजें खरीद ली हैं अब बस वोटी का जोड़ा रह गया पकड़ने वाला विक्टिम्स की बात की और हाँ मुझे याद सारे इकट्ठे होकर चलते हैं ना वैसे भी तो इलेक्टिव्स ही हैं हाँ हम गए थे कल नहीं मानी और कह रही थी कि हाना की पहली वाली असाइनमेंट भी ड्यू है अभी तक इन सबको मेरी हर बात कैसे याद रह जाती है छुट्टी का है मना अच्छा ठीक है ये क्या बकवास है ये कब किया उन्होंने अभी पिछले जुम्मे में यहाँ से गुजरी हूँ पूरी सड़क थी यहाँ पे वही सड़कें तोड़ तोड़ के मनाते रहते हैं फिर रह गया होगा कोई टाइप अब क्या करें एक रास्ता आता तो है यहाँ से खेतों में से होके क्या यहाँ से हाँ तुम्हें आते हैं हाँ हम पहले भी आते थे यहाँ से नहीं अंधेरा है आजे चले चले पक्की बात हाँ ना चले आ जाए आ जाए अरे नहीं मेरे पास हॉकी स्टिक है ना मुझे क्या पता तुम कैसा खेलती हो पता चले मेरे सर पे लगा दो तुम अगर ये कुत्ते हमारे पीछे आए तो तुम कुछ सोटी के साथ कर लेना ठीक है रास्ता सीधा ही है बस बत्ती का कोई निजाम नहीं है अक्सर वारदातें भी हो जाती हैं उल्लू भी बड़े हैं यहाँ पे क्या था
परिंदा है। कहां से लेके आई हो तुम मुझे? क्लासेस कैसी जा रही हैं? कुआरी, फाइनल ईयर है ना, इतनी लेट क्यों हो रही है आजकल क्लासेस? हॉकी प्रैक्टिस। बस आप तो छोड़ दो। हाँ पर आजकल स्पोर्ट्स पे स्कॉलरशिप्स पे तो बहुत आ रही हैं। आपको पता है मेरा नाम आया लिस्ट में मलेशिया की। मलेशिया? मास्टर्स के लिए। मुबारक, इजाज़त मिल जाएगी? पूछूंगी थोड़ी, बताऊंगी। इस कदर मुश्किल से रोटी पकी है आज, पता है? पिछले साल तो फिर दिन में 2 घंटे के लिए गैस दे देते थे, इस साल तो वो भी नहीं दे रहे हैं। दोपहर को गैस आई ही नहीं। दौड़ाया बराबर वाले बच्चे को कि जाके जरा जल्दी से सिलेंडर भरवा के ला दे, 300 रुपए का सिलेंडर भरा है। सब कुछ ही पागलों वाला महंगा है। उस दिन हमने दफ्तर पे रोल पराठे मंगाए 280 का एक है। घर से बना के ले जाओ भाई, दिमाग खराब हो गया इनका तो। ये अंडा खाओ, ये तुम्हारे लिए उबाला है। नो शुक्रिया, ये ले। रोटी पूरी तोड़ी है मैंने। आज जहर ने तस्वीरें भेजी, वो मैच देखने गया था। मैं तो फोन की स्क्रीन पे देख रही थी, मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उसको ढूंढूं क्राउड में, मुझे नजर ही नहीं आया। फोन पे कहाँ कोई नजर आता है, इतने इतने से तो वैसे ही नजर आते हैं सब। तो सारे लोग हैं आगे, खुद खड़े होगी, कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें खींच रहे। चौक तो है इतना अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे अगला मैच तुम उजैर के साथ ही देखो। अरे वो है ना अपनी क्या नाम है इसका, शमामा, उसने अपनी बेटी के अकीके का दावतनामा भेजा है, तो तुम कल आते हुए उसके लिए कोई तोहफा लेती आना। ठीक है, मैं ले आऊँगी। बच्ची को तो क्या ही पता चलेगा, अम्मा खुश होगी उससे। वैसी वैसी सुना बड़ा दावत का अहतमाम कर रही है। ज़रूर फजूल खर्ची करेंगी, इतना बड़ा सारा केक लेके आएंगे। शौकीन माँ बाप हैं भाई उसके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे वो छोटा सा काम था, मैंने अपनी वो शिफ्ट की टाइमिंग डिस्कस करनी थी। आपको पता है ना आजकल वो अंधेरा जल्दी हो जाता है और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है, तो पहुँचते पहुँचते 10 बज जाते हैं मुझे। तो मैंने कहना था कि अगर मैं 8 बजे की बजाय 6 से 6 कर लूँ टाइमिंग। तो आपको पता है ना शफीक ने तो बेटी को छोड़ना होता है अकेडमी 7 बजे, उसको घर छोड़ के यहाँ से। उसने कंडीशन रखी थी जॉब के लिए कि वो उससे पहले नहीं आ सकती। फातिमा उसके अम्मी का डायलिसिस चल रहा है, वो वैसे ही इरेगुलर है जी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे डिसएग्री में, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है। माइंड तो नहीं गया जी? नहीं कोई मसला नहीं, थैंक यू सर। चल जाओ। और सुनो, अंदर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, मैं आपको छोड़ आती हूँ, अंधेरा बहुत। मुझे नहीं डर लग रहा, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। जाओ पक्का? हाँ जाओ 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 जाओ, जाओ।
बेचारी सखियां ये काली काली रतियां साए से भाग कर बीतेंगे जाग कर सपनों की आस में अखियां साया खड़ा बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां रास्ता खड़ा बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां ओ भाई जान इलेक्शन के दिन तो करीब आने दे फुल छपछपा बकरे भाईजान बकरे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज उजैर कैसे ठीक है वो शारजा में जिंदगी यहाँ से तो बहुत बेहतर होगी यहाँ से तो सब निकल नहीं कर रहे जी वो दरअसल खैरियत से आना हुआ जी नहीं हमारे जो गांव के साथ जो सड़क जाती है ना हमारे मोहल्ले को उस पे कोई लाइटें नहीं लगी हुई और वो जो दूसरी वाली सड़क है उस पे सारी खुदाई हुई है तो ये सब किसके लिए हो रहा है आप लोगों के लिए तो हो रहा है सब कुछ दो साल लगे इस प्रोजेक्ट पे काम कराने हैं अभी तीन दिन पहले बजट मंजूर हुआ है और देखें मैंने काम शुरू भी करवा दिया जी लेकिन लाइटें भी तो चाहिए ना हाँ कुछ अरसे की तंगी है नहीं रात में दरअसल काफी मुश्किल हो जाती है कुछ नजर नहीं आ रहा होता तो आप रात को जाने से गुरेज करें ना कुछ ऐसा नहीं वो मेरे जॉब के टाइमिंग्स है ना वो मोबाइल में टॉर्च है आपके जी है लेकिन अभी पूरी सड़क की वायरिंग करवानी है खंबे लगवाने हैं अभी इस काम पे फोकस नहीं हो सकता लोग तो बड़ा खुश है पानी की पाइपलाइन पे मैं तो ये समझ रहा था कि आप भी मुबारकबाद देने आएंगे वो रात में कोई हादसा भी तो हो सकता है ना कोई चांस ही नहीं मेरी ना पूरे इलाके पे नजर होती है बस कुछ देर की तंगी है फिर खुशहाली खुशहाली रेश भाई ने क्या जवाब दिया उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है ये वाली शॉट है इसका अल्टरनेटिव दे दो दे दें जी 470 मैंने मॉर्निंग में टॉर्च ली पेपर स्प्रे भी कुछ होता है ना हाँ मेरी बहन तो घर पे ही बनाती है रेसिपी पूछ के बताता हूँ हाँ बताना मास्क है जी कितने चाहिए 5 दे दें 50 रुपये वैसे हम सरकारी दफ्तर जा के दरख्वास्त भी दे सकते हैं मैं चल सकता हूँ आपके साथ तुम्हें समझ है सरकारी दफ्तरों की हाँ सीधा सीधा सा प्रोसेस होता देखिए बशीर साहब मसला सारा नौकरी का नहीं है मसला छोटे भाई की शादी का है आपने कहा था उधर बीए के पेपर हुए उधर लड़के की नौकरी हो जाएगी अब तो रिजल्ट आए तो 6 महीने हो गए जी ये स्ट्रीट लाइट की दरख्वास्त कहाँ पे जमा करानी है स्ट्रीट लाइट जी आगे से देखें आगे कहाँ से ये एक दफ्तर छोड़ के अगले दफ्तर में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपको जावेद साहब ने भेजा है ना नहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है आपका नहीं स्ट्रीट लाइट लगवानी है स्ट्रीट लाइट भी लग जाएंगी आप तशरीफ रखिए जी जी मैं होके आती हूँ एक सेकेंड वो मेरे ख्याल से गलत दफ्तर है आ जाओ मेरी टेबल पर तो कोई फाइल नहीं छोड़ कर गया मैं सुबह 8 बजे से यहीं पर ही हूं आप मेरी बात अब्बास साहब से करवाएं मुझे बताएं ना फाइल कहां पे रखी हुई है
ठहरो, इनसे भी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। ये स्ट्रीट लाइट्स की दरख्वास्त कहाँ पे जमा करवानी है? आप सामने ना कॉरिडोर में चले जाए, यहाँ तो काउंट्स के दफ्तर है सारे। वहीं से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। वहीं चले जाएं, वहाँ कामरान साहब हैं, वो आपको सही गाइड करेंगे। रेड गर्लफ्रेंड कामरान साहब, आप तो हमें कह रहे थे उधर ऑफिस है, हमें उधर कोई ऑफिस नहीं मिला। तो नाम बताएं। मरियम महमूद। CNIC की ठीक है, महीने तक पता कर लीजिएगा। महीने तक? जी महीने तक, बस इतना सा काम करना था। आपना आपको कुछ और कराना है तो सर्विस मिल रहा है। कहाँ फंस गया? थैंक यू। आप बहुत प्यारी हैं, आप मैरिड हैं? जी। हवन क्या करते हैं? शारजा में जॉब करते हैं। शारजा, बड़ा नाम सुना है, किस तरफ है? दुबई के पास शहर है। आप पढ़ती हो? नहीं जी, जॉब करती हूँ। बहुत शुक्रिया। ले लो। नहीं नहीं, निकाल दीजिए। बच्ची हैं? जी नहीं। कितना अर्सा हुआ शादी को? 2 साल। शारजा चक्कर लगता है? जी मुझे याद है। जी, उसका कुछ बना? अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, हफ्ते बाद पता कर लीजिएगा। जी, हफ्ते बाद। जी हफ्ते बाद आ जाइए। कितनी बदबू आ रही है। मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा। बस अल्लाह ही बचा सकता है जी ऐसे वाकया से। लाश का पोस्टमार्टम कैसे होगा? बेबी इधर क्यों खड़ी हो, जाए यहाँ से।
नगर फरीदा कैसे हो जाऊं अखधर तक ले मास ओ नगर फरीदा कैसे हो जाऊं अखधर तक ले मास आख फरीदा पिया सोने नू आख फरीदा पिया सोने नू कागा पिछे पजे तन दे पिछे अन्ना होया नोच नोच नारजे तन दे पिछे अन्ना होया नोच नोच नारजे वालेकुम अस्सलाम कागा खते छड़ी न छड़या मोरा मास कागा खते छड़ी न छड़या मोरा पानी गरम है मैम ना लो नहीं वो थकी हूँ खाना लगाओ नहीं नींद आ रही है अखियां दे विच हंजू बीजे कोई आवे फसल कटावे दरवाजा खुला छोड़ दे गूंगियां चीका कौन सुने हाथे कौन दर्द वंडावे गूंगियां चीका कौन सुने हाथ कौन दर्द वंडावे शीशा वेख फरीदा मैनू मेरा रूप डरावे शीशा वेख फरीदा मैनू मेरा रूप डरावे शीशा वेख फरीदा मैनू मेरा रूप डरावे महीना हो गया है पता नहीं कब अप्रूव करेंगे अरे यार पाकिस्तान है यहाँ पे रिश्वत के बगैर कोई काम होता है नहीं मेरे से तो किसी ने कुछ भी नहीं मांगा मेरा मशवरा है तुम छुट्टी ले लो हाँ लेकिन अगर महीने लगे तो फिर मतलब इतनी लंबी छुट्टी तो कोई नहीं देगा ना मेरा मतलब है तुम नौकरी से छुट्टी ले लो तो और क्या करूं तो इंसानों वाली नौकरी ढूंढो 9 to 5 तुम क्यों नहीं ढूंढ लेते इंसानों वाली नौकरी हाँ 2 साल हो गए तुम्हें तो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं मिली अभी तक पेपर्स भी नहीं देते कि मैं वहां पे आ जाऊं तुम ढूंढो ना इंसानों वाली नौकरी यार मैं वहां पे होता तो और बात मेरी नौकरी जरूरी है हाँ तो मेरी नौकरी भी जरूरी है फिर मेरी बात सुननी नहीं होती तो मुझे अपने मसले भी ना बताया करो क्या हुआ फोन कट गया
जी वो नेट नहीं आ रहा। उजैर कह रहे मैं नौकरी छोड़ दूँ। गलत तो नहीं कह रहा, जब से ये सड़क टूटी है मैं भी यही सोचती हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है। महीने के 35,000 आना बंद हो जाएंगे। हादसे तो हादसे होते हैं ना बेटा, हादसों के लिए तो कोई भी तैयार नहीं हो सकता। तुम तो रोज बाहर जाती हो, कितने लोगों से मिलती हो, तुम्हें तो ज्यादा अंदाजा होगा ना क्या हालात चल रहे हैं। मेरा काम भी उतना ही अहम है जितना उजैर का। 14 साल पढ़ाई की है मैंने अपनी डिग्री के लिए, सोच लें इस्तीफे की जगह छुट्टियों की एप्लीकेशन दे दें। अंदर हर कोई बात कर रहा था कि जनवरी से सैलरी बढ़ रही है, 30% तक का चांस है। वो 3 सालों से यही कह रहे हैं, वैसे भी 30% सिर्फ मेल एम्प्लॉयज के लिए ही होना है। वो तो कोविड आ गया था ना, और MD साहब के दोनों बेटों की शादियां भी थी, बजट में मार्जन ही नहीं होगा। जी सर। मैंने मना भी किया था मोटरसाइकिल की टैंकी पे रख के मत लाना, किसी को साथ ले जाओ, पर नहीं, इतने नाज से बनवाया था मैंने अकीके का केक। और ऊपर से सारा दिन मुझसे लड़ते भी रहे, कहते हैं भला अकीके पर भी कोई केक बनवाता है। ना भाई भी जो है ना अजीब, केक का कोई मौका थोड़ी होता है, केक तो कभी भी खाया जा सकता है। ठीक लग रहा है ना? उधर से थोड़ा सा मेरा आप यूं कर देगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। सही है, ठीक है, करें फिर। हाँ चले जी, आ जाए, केक का टाइम हो गया है, आ जाए जल्दी करें, मक्खियां भी हैं बहुत ज्यादा। हाँ भाई तुमने तस्वीर लेनी है उधर से। चले जी, तो पहले तस्वीर ले ले। स्माइल। चले ये ले भाभी काटे। केक कैसा है? अच्छा है, फेवरेट फ्लेवर है मेरा। यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली है? सेमेस्टर फीस करवा लिया। अगले साल जाओगी आप?
तो स्कॉलरशिप? सेमेस्टर फीस करवा लिया तो स्कॉलरशिप किस चीज़ के लिए? ना उस दिन हमें अजीब सा आदमी नजर आया था, याद है? तो उसके अगले दिन मैंने छुट्टी की थी। पता नहीं, मुझे एक अजीब सा ख्याल आता रहता है तुम अकेली वापस आई होगी, शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ ना हो, तुमने इसलिए तो नहीं छुट्टी। मेरी दादी बीमार है, अम्मा को काम पे जाना होता है, बस उनका ख्याल रखती हूँ, इतनी सी बात है। हमें शिकायत करनी चाहिए, हम कोई जाके ढूंढ लेते हैं, कोई दफ्तर वगैरह कुछ भी, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। मुझे अपना तमाशा नहीं बनाना। दिन भी गया जैसे तैसे, सोचो में गुजरे ऐसे, दिन भी गया जैसे तैसे, सोचो में गुजरे ऐसे। आपको नहीं पता कंप्लेन कराने से क्या होगा? अब्बू मेरा तो यूनिवर्सिटी जाना बंद कराएंगे, दोनों छोटियों को भी स्कूल से उठवा लेंगे। मुझे समझ आ रही है हन्ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बस मैं नहीं जाऊंगी। और कितनी सेल्फिश हैं आप, अपना काम करवाने के लिए किसी और का इस्तेमाल कर रही हैं। तुम्हें लगता है ये सिर्फ मेरा काम है? पिछले दिनों जितनी बार आते हुई हैं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सही है, मैं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ उस दिन का जब मेरे साथ भी कुछ हो जाए। जिंदा बच गई तो जाके मैं भी कंप्लेंट दर्ज करवा लूंगी। कितनी अच्छी तकरीब हो गई। बहुत अच्छी, देखिए कितना अच्छा उन्होंने सारा, बड़ी हिम्मत की। हालांकि कितनी महंगाई हो गई है, देखो सारा इंतजाम, बहुत केक भी बहुत अच्छा था। मैंने एक जरूरी बात करनी है। हाँ वाकई, मैं तो सोच रही थी कि एक मिनट मेरी बात सुन ले, मैंने एक जरूरी बात करनी है। हमारे जो मोहल्ले को सड़क आती है उस पर लाइटें लगाने के लिए मैंने दफ्तर के चार चक्कर लगा लिए, मुझे हर दफा एक नई रेट देके मुझे भेज देते हैं वहां से। लेकिन अगर हम सब मिलकर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा मसला हल कर दें। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, आप लोगों को भी तो तकलीफ हो रही है ना। आप ही ने कहा था ना उस दिन किसी का यहाँ से फोन भी चोरी हुआ है। मेरे छोटे बेटे का हुआ था, पूरे 70,000 का लिया था, पर अभी पिछले महीने ही किस्तें पूरी हो गई। फैक्ट्री वाला ने लेकर दिया था, अपने पैसों से लिया था, बस सुबह ड्यूटी पर जा रहा था। शुक्र करो मोटरसाइकिल तो बच गया। किस्तें कितनी थी? 10,000 दे रहा था और मैं इस हफ्ते दफ्तर दोबारा जाने का सोच रही हूँ, तो आप में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हर काम औरतों के करने वाले नहीं होते। मेरा एक जानने वाला महकमे में काम करता है, मैं उससे बात करता हूँ। बातों से ये मसला नहीं हल होगा। और रही बात औरत मर्द की, तो मर्द से क्या, वो फोन छीन लेंगे ना, बाइक छीन लेंगे। औरतों के साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है, बल्कि मर्दों के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है। अरे ये भी कोई करने वाली बात है? मुंह से खैर का कलमा निकालते हैं। सिर्फ अच्छी बात करने से आप और मैं महफूज नहीं है आंटी। तो औरतें घर पे रहना महफूज। क्यों भाई, घर पे क्यों रहे? इनका हक नहीं है इतना पढ़ने लिखने के बाद ही अपनी मर्जी का काम करें? तो करें, लेकिन ऐसे फसाद तो पैदा ना करें। कौन सा फसाद? हम सब मिलकर अगर अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए अपना हक मांग रहे हैं, तो उसमें फसाद की क्या बात है? तो वहम और सनसनी भी ना फैलाएं। हम हैं ना यहाँ पे, कोई ऊंच नीच हुई तो देख लेंगे हम भी। भाई आप किसी ऊंच नीच का इंतजार करेंगे? फिर हम किसी अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर खड़े होंगे, पुलिस आएगी, तफ्तीश होगी, खबरें छपेंगी, हम सब सोग मना रहे होंगे, फिर आप जाके कुछ करेंगे? तौबा अस्तफार, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना।
हमारा इलाका तो महफूज है। आंटी अगर आपने कुछ सुना नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कुछ हुआ नहीं है। यही है अब हमारा सिस्टम। गटर का ढक्कन वो तभी ठीक करेंगे जब कोई बच्चा उसमें गिर के मर जाएगा। नालियां तभी साफ होंगी जब बारिश के बाद कोई सैलाब आएगा। गैस की लीकेज तभी ठीक करेंगे जब कोई पाइप फट जाएगी। तो क्या हल है हमारे पास? यही है ना? दिन भी गया जैसे तैसे, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। गुजरे ऐसे दिन भी गया जैसे तैसे, सोचों में गुजरे ऐसे, खिड़की से झांक कर देखे ये रात भर, किरणों की आस में अखियां, रास्ता खड़ा बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां, बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां, रास्ता मुड़ा बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां, बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां, साया खड़ा बिन बत्तियां रे बिन बत्तियां। सलाम अलैकुम। आज सर से मीटिंग है, उसके बाद पता चल जाएगा। कितने बजे है मीटिंग? मीटिंग आज शाम को है, आप लोग इंतजार करें, बाहर बैठे। नहीं भाई ठीक है, हम यही कर लेंगे इंतजार। रास्ता दे। चार बजे आप लोग, चार बजे के बाद है, बाहर इंतजार करें आप लोग, प्लीज बाहर जाएं। यूं बुझ रहा है जल, बुझ रहा है, कहां जा रही है बीवी? जलने लगा है फिर से जला है। आ जाएं। किरणों से भर गई सारी अखियां, देखो सारी अखियां, सारी सारी छोटी प्यारी अखियां, प्यारी प्यारी अखियां, प्यारी प्यारी अखियां, किरणों से भर गई सारी अखियां, देखो सारी अखियां, सारी सारी अखियां, सारी सारी अखियां, सारी सारी अखियां, छोटी सी Thank you.
पहला दिन था, फाइनल सेमेस्टर का। थैंक यू। किस लिए? मुझे हिम्मत देने के लिए, हार मानने से बचाने के लिए। और स्कॉलरशिप? लिस्ट में नाम आ गया है, बस इंटरव्यू रहता है। नहीं हूँ मैं नाराज, मैंने तुम्हें भेजा तो है गुड मॉर्निंग का मैसेज सुबह, तुम ही ने जवाब नहीं दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे बॉस ने छुट्टी दी या नहीं दी? मुझे सिर्फ उससे गर्ज है। दी है कि नहीं दी? मुबारक तुम्हें भी और मुझे भी। तुम्हारा वैसे नहीं, तुम उसको ना कुछ कहो, मैं उसको खत लिखती हूँ, ठीक है? मैं उसको अपने हाथ से खत लिखूंगी थैंक यू का, सही है? हाँ, आंसुओं के साथ बीच में उसके अंदर। किरणों से भर गई सारी अखियां।